हेलो बच्चों। तो आज नवरात्रि की दुर्गा पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस खुशी के उपलक्ष्य में आप सभी के लिए लेकर आए हम शानदार बम्पर धमाका, सिर्फ 5,000 रुपीज के अंदर गारंटेड एडमिशन, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार। इफ एनीबडी इंटरेस्टेड, रजिस्टर नाउ। लिंक अवेलेबल इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स इन फर्स्ट प्रायोरिटी। ठीक है, अब यार आज अपन बात करते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार के एडमिशन के बारे में। ठीक है, तो आज 7 अक्टूबर हो चुका है और आंसर की सबमिट हो गया है। इसका जो रिजल्ट है आंसर की का जल्द ही आ सकता है। ठीक है, आज या कल। ठीक है, आज की तो छुट्टी है गवर्नमेंट ऑफिसों की, तो कल मान सकते हो आप। ठीक है, तो कल अगर इसके बात करें, कल अगर इसका आता है तो हमारा जो रिजल्ट है वो अपन मान सकते हैं कि एटलीस्ट 11 से 12 तारीख को आएगा। ठीक है, तो अब इसकी बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस की। तो यार एडमिशन प्रोसेस का तो यही सिस्टम है, जैसे 3 से 4 दिन, मान लो 3 से 4 दिन तक वेट करना पड़ेगा। और अगर अपन बात करें इस यूनिवर्सिटी की, तो बहुत अच्छा कॉलेज है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी। इसके अंदर इसकी अच्छी रैंक, अच्छी पोजीशन है, बहुत अच्छा कोर्सेस प्रोवाइड करती है, बहुत अच्छा इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है एंड ठीक ठाक इसका प्लेसमेंट होता है। और कट ऑफ इसकी थोड़ी हाई रहती है। और अगर अपन बात करें जैसे बिहार की, तो यहाँ पे जस्ट मतलब बहुत अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं। ठीक है, मतलब अगर अपन बात करें ऑल ओवर बिहार की, तो उसके अंदर जस्ट गवर्नमेंट का तो बहुत ही ज़्यादा जोश जज्बा होता है। जैसे अगर अपन यूपीएससी या फिर जो भी ये गवर्नमेंट जॉब्स होती है, जैसे जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स होती है, तो इनका कुछ अलग ही माहौल रहता है, जो भी बिहार या इधर जो कैंडिडेट है यहाँ के। ठीक है, आप सभी ने देखा होगा यूपीएससी वगैरह में। तो यार यहाँ पे जस्ट अभी ये एडमिशन प्रोसेस तो चल रहा है। ठीक है, सबसे पहले गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के बारे में बता देता हूँ। दिस इज एन पीएसएससी पटियाला, दिस इज जीएफटीआई यानी कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज। एंड दिस इज सिचुएटेड इन इंडियन मिलिट्री बेस, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी। एंड दिस इज प्रोवाइड इन एरोस्पेस एंड एरोनोटिकल इंजीनियरिंग। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन गो टू इन इसरो, डीआरडीओ, एचएएल, एनएएल एंड मेनी मेनी गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंडस्ट्री, इन एयरलाइन इंडस्ट्री, एविनेशन सेक्टर। तो यू कैन गेट कोर्सेस इन बीबीए इन एविनेशन एंड बीएमएस, बीटेक इन एरोस्पेस, एरोनॉटिकल। फ्यूचर में बहुत ज़्यादा स्कोप है और कंपटीशन बहुत कम है, क्योंकि इस प्रकार के कॉलेजेस बिल्कुल भी नहीं है, स्पेशली बिहार में तो एक भी नहीं है। ठीक है, तो अगर किसी का इंटरेस्ट हो तो वो डायरेक्टली ले सकता है एडमिशन। ठीक है, इसका कोई चार्ज नहीं ले रहे, बिल्कुल फ्री कॉस्ट है। ठीक है, एंड नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कॉन्टेक्ट नंबर दे रहा हूँ, और फुली गवर्नमेंट है यार। बिहार के स्टूडेंट्स के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन ये है कि उनको अगर बिहार क्रेडिट अवेलेबल होता है, तो उनको एक भी पैसा नहीं देना पड़ता, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट 4 लाख रुपए मिलते हैं और आसानी से पढ़ सकते हैं वो। ठीक है, तो अब अपन बात करते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार की। तो यार इसका एडमिशन तो 2 से 4 दिनों में स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और जस्ट इस बार थोड़ा आसान एडमिशन नहीं होगा। ठीक है, मतलब इसका प्रोसेस अलग ही होगा। ठीक है, इस बार एनटीए ने कंडक्ट किया है, तो यार एक प्लान स्टार्ट किया आज, एक बम्पर धमाका है। ठीक है, 5,999 रुपये में गारंटेड एडमिशन। ठीक है, जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड हो, नीचे फर्स्ट नंबर पे लिंक दिया गया है, उस पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जो भी हमारा पहले का जो प्लान था 5,999, ठीक है, 8 अक्टूबर तक वैलिड था वैसे तो, लेकिन हमारे पास 152 सीटें ही थी, तो वो सारी फिल हो चुकी है। ठीक है, तो यह जस्ट नया प्लान है, ये सिर्फ साउथ बिहार के लिए है। ठीक है, तो जिसको भी इंटरेस्ट हो वो ले सकते हैं। अगर इस पे अपन कट ऑफ की बात करें, तो इसका कट ऑफ जो है, इस बार पेपर जो एनटीए का वो 400 नंबर्स का होगा। और अगर अपन पिछले साल के कट ऑफ की बात करें, तो ऑलमोस्ट इसका कट ऑफ जो है 49, एटलीस्ट ऐसे कट ऑफ नहीं होता। ठीक है, अगर अपन फर्स्ट प्रायोरिटी की बात करें, तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे जो गया था वो 66 था। ठीक है, और इस जस्ट मिनिमम अगर मैं मार्क्स की बात करूँ, तो हमने जस्ट 0 नंबर पे भी एडमिशन कराए हैं। ठीक है, 0 पे, लेकिन वो सिर्फ उन्हीं बच्चों का होता है जो जस्ट लिंक पे जाके रजिस्टर करते हैं। ठीक है, और 1 नंबर पे भी हुआ है, माइनस में भी हुआ है। ठीक है, और मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं है, काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर लास्ट में एंड मोमेंट पे सीट बचती है, तो वो मार्क्स बिल्कुल भी नहीं देखते। ठीक है, जितनी सीटें बढ़ती है भर देते हैं। ठीक है बच्चा पार्टी,
तो किसी को इंटरेस्ट हो तो रजिस्टर कर सकते हैं, और एरोस्पेस एरोनॉटिकल में इंटरेस्ट हो तो ये PSIC पटियाला में ले सकते हैं, ठीक है। दिस इज फुल्ली गवर्नमेंट एंड इंडियन मिलिट्री बेस, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी के कैंपस के अंदर हो तो कुछ माहौल ही अलग होता है, ठीक है। तो अगर इंटरेस्ट हो तो कॉन्टेक्ट कर सकते हो, ठीक है। कोई चार्जेज नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। और यहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार गया के अंदर है, ठीक है, जहाँ पे जो गौतम बुद्ध थे उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, ठीक है। और इसके कुछ एडमिशन वगैरह के बारे में देख लेते हैं अपन, फीस स्ट्रक्चर है इसका, स्कॉलरशिप वगैरह है। सो बिहार के स्टूडेंट्स के लिए तो भाई CSET अगर आपने दिया है, अच्छे मार्क्स आए हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी आए हैं तो कोई बात नहीं, ठीक है, एडमिशन करवा देंगे तुम्हारा, ठीक है बच्चा पार्टी। और यार मतलब बहुत अच्छा कॉलेज है, आई थिंक सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के अंदर अच्छी पोजीशन पे है, ठीक है। और इस बार जिसके एटलीस्ट 70 नंबर आ रहे हैं, ठीक है, तो वो ठीक ठाक है। और इसके कुछ कोर्सेस है जिसका कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई होता है, जैसे BA LLB है, ठीक है, मतलब जो बहुत अच्छा कोर्स है अगर जैसे ये BA LLB, ठीक है। और कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटी जैसे फॉरेन कोर्स करवाती है, जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात है, ठीक है, फॉरेन लैंग्वेज जैसे जर्मन है एंड अदर अदर चाइनीज कोर्सेस है, ठीक है। जिसको ऐसे कोर्सेज करवानी हो, ठीक है, उसका हम जीरो पे भी डायरेक्टली करवाते हैं एडमिशन, ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। तो आप रजिस्टर कर सकते हो लिंक पे, ठीक है, लिंक पे हमारे, ऐसा नहीं है कि 2 बार में महीने भी कर दोगे, 152 सीटें हैं, 152 सीटें जैसे ही फिल हुई लिंक डीएक्टिव हो जाएगा, ठीक है बच्चा पार्टी। थैंक यू सो मच। और आपको जो भी आज ये है डे जिसे हम नवरात्रा बोलते हैं, इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और खूब पढ़िएगा, बहुत कम मजा कीजिएगा, और गुड लक, थैंक यू, आपके अच्छे मार्क्स आए, आपका एडमिशन हो।